हेलो व्यूवर्स, घर की कला चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी सूजी के गोलगप्पे। तो इसके लिए हमें चाहिए नमक, छोटी वाली सूजी, बड़ी वाली नहीं, और तेल। तो अगर हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ये मैंने डाल दी सूजी और नमक, ये तेल इसमें डाल दिया, कोई भी रिफाइंड ऑयल ले लें आप, और इतना रहे कि ये ऐसे मुट्ठी बन जाए। वैसे एग्जैक्ट मेजरमेंट मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है। और इसमें हम डालेंगे हल्का गुनगुना पानी, बहुत ज़्यादा खौलता हुआ नहीं है, गुनगुना पानी डाला है, इसलिए हमें इसके बाद 25 मिनट रखना है। और अगर बहुत ज़्यादा खौलता हुआ डालते तो 15-20 मिनट बस, लेकिन खौलता हुआ मत डालिए, आप जल जाएंगी, हल्का गुनगुना ही रखिए। और इस तरह से मैंने एक डो बना लिया है इसका। बहुत ज़्यादा गीला मत करिएगा अगर आप पहली बार बना रही हैं तो, अगर ज़्यादा गीला हो जाएगा तो बाद में संभालना थोड़ा मुश्किल होगा। हालांकि ये सूजी जो थोड़ी गीली ही होती है ताकि ये जब फैलती है फूल जाती है बाद में, तो ये और ज़्यादा कड़ा आटा हो जाता है इसका। लेकिन अगर आप बाद में गीली हो गई और बाद में आपने सही करना चाहा तो दिक्कत होगी, और अगर कड़ी रहेगी तो बाद में पानी लगा लगा के आप भून सकती हैं, उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये रहा पानी का सामान जो मुझे खट्टा पानी बनाना है, तो इसके लिए आप नींबू या खटाई ले सकते हैं। और ये सारा सामान है, धनिया है, खड़ा भुना हुआ, जीरा भुना हुआ, सौंफ, काला नमक और काली मिर्च। और काली मिर्च ज़रूर लीजिएगा, भले हरी मिर्च कम कर दीजिएगा, काली मिर्च तीखी होती है लेकिन जो गले में खराश होती है वो नहीं होगी। अदरक, काली मिर्च ये ज़रूर डालिए। और ये सब सामान आपने देख लिया है, ये मैंने सब मिक्सर में पीस लिया है सारी चीज़ों को। पुदीना भी था और हरा धनिया भी था एक बंच। चाहे तो आप नींबू डालें, चाहे तो आप खटाई डालें, चाट मसाला अगर आपके पास हो तो वो भी डाल सकती हैं। और आप चेक कर लें आपको कितना खट्टा खाना है, उस हिसाब से आपका पानी तैयार हो जाएगा। तो ये पानी तैयार कर लिया, अब इसमें आप पानी मिला लें, जितना भी आपकी मर्जी हो, पतला या थोड़ा गाढ़ा रखना चाहते हैं तो आप मिला लें। और ये नींबू का रस थोड़ा और हमने डाल दिया है, ज़्यादा खट्टा नहीं हुआ है। और अब 25 मिनट बाद हम आटे को देखेंगे, सूजी का जो ये आटा था, अब इसे हम कम से कम 5-6 मिनट तक खूब अच्छे से गूंद लेंगे। और मेरा टाइटल है कि क्यों नहीं सूजी के जो गोलगप्पे बनाते हैं फूलते क्यों नहीं, तो अभी हम बताते हैं आपको कि क्यों नहीं फूलते हैं वो, क्या रीज़न रहता है। या तो आप नमक भूल जाए तो भी ऐसा हो सकता है कि फूल तो जाए पर बाद में एकदम पूड़ी जैसे हो जाए। और ये इस तरह से हम इसे मसल मसल कर गूंद लेंगे। और ये डो हमारा तैयार हो गया है। और अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो हाथ से बनाएं, क्योंकि हाथ से बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना पतला और मोटा बनाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है तो भी एक कारण है कि नहीं फूलता है। और एक दो बार इस तरह हाथ से बना लेंगी, उसके बाद फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितना मोटा रखना है, कितना पतला रखना है, ना बहुत मोटा होना चाहिए ना बहुत पतला होना चाहिए। और ये मैं हर शेप में बनाऊंगी ताकि अगर कोई पहली बार बना रहा है तो बिल्कुल डरे ना कि बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, हर शेप का है ये। तो ओवल भी है, सर्कल भी है, थोड़ा टेढ़ा भी है, ट्रायंगल भी है, मैं हर तरह दिखा देती हूँ। और जब आप एक दो बार बना लें तब आप जो है इसको रोटी बना के पतली सी और ग्लास से कट करें तो परफेक्ट शेप होगा। और इस साइड से हम उठाएंगे नीचे की तरफ, और जब डालेंगे कढ़ाई में तो नीचे वाले हिस्से में नमी रहती है उस तरफ से ही डालेंगे, और ऊपर वाला सूखा रहता है तो कढ़ाई में भी ऊपर वाला इसी तरह ही डाल जाएगा जिस तरह ये इस प्लेट में रखा हुआ है, तो इससे ही अच्छे से फूल जाएगा। अब ये तेल कढ़ाई में गर्म हो रहा है और मैंने पतले भी जो बेले हुए हैं वो मैं अभी दिखाऊंगी कि किस तरह से जो है वो पिचक जाते हैं। पहले मैं अच्छे वाले बना लेती हूँ जो सब फूल गए हैं। ये देखिए इस तरह से परफेक्ट कटिंग भी दिखा दी आपको। ये तेल मैंने कम लिया है क्योंकि वेस्ट हो जाता है बाद में, एक बार खोलने के बाद दोबारा खोलना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने कम लिया है। तो एक एक डाल रही हूँ, वैसे भी मैं डाल दूंगी, दो तीन दिन भी डाल दूंगी साथ में, पर एक मैं आपको दिखा रही हूँ कि अच्छे से दिख जाए कितना ही फूला हुआ है। ये बाद में भी ऐसे ही कड़ा कड़ा ही रहेगा, सॉफ्ट नहीं होगा, और ना ही एकदम पतला होना चाहिए बिला हुआ, और ना ही एकदम मोटा होना चाहिए।
मोटा होता है, फूल तो जाता है लेकिन बाद में वो रोटी की तरह हो जाएगा, बिल्कुल पूड़ी या रोटी की तरह सॉफ्ट हो जाएगा। तो आपको परफेक्ट करना है तो पहले आप हाथ से दो चार कर लें, उसके बाद से आप ग्लास से एक अंदाजा जब हो जाए तब आप ग्लास से उसे कटिंग कर लें बेल कर। और ये देखिए सब फूल रहे हैं, अभी मैं वो भी डालूंगी। चाहे तो आप वाइट ही रख के, चाहे थोड़ा कुरकुरा उसको और गोल्डन गोल्डन फ्राई कर ले, या आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा खाना चाहती हैं। ये मैंने जो है सब मिक्स कर दिए हैं, जो पतले वाले थे मुझे लगा ये पतला वाला आएगा, ये बिले वो नहीं होगा, लेकिन ये पतला वाला नहीं, ये सही जो है बिला था वो वाला आ गया। और दोनों साथ में मिक्स कर दिए, मैं देखती हूँ कि कौन सा जो है वो हो रहा है, पिचक जा रहा है। दो चीज़ों का ख्याल रखिए, एक तो जब थाली से उठाएं, प्लेट से उठाएं, तो नीचे वाला नीचे की तरफ कढ़ाई में होगा और ऊपर वाला ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि नीचे थोड़ी नमी हो जाती है तो उससे अच्छे से फूल जाता है। और एक दो मिनट नहीं गूंदना है, उसे कम से कम 5 मिनट तक गूंदना है ताकि वो अच्छे से फूल जाए। ये भी एक कारण है कि नहीं जो है फूलते हैं गोलगप्पे। ये देखिए अभी तो एक भी नहीं है वो वाला आया जो ना फूले, अभी देखते हैं कि कौन सा वाला था, शायद मिक्स हो गया है। ये 1-1.5 घंटे बाद भी मैंने जब खाए इसे तो भी ये ऐसे ही कुरकुरा जो है और जो है सब बिल्कुल एकदम सॉफ्ट नहीं होता है, एकदम कड़ा कड़ा ही रहता है। अगर आपको सुनहरा तलना है तो आप इस तरह से तल लीजिए। ये देखिए अब मैंने दूसरे रखे हुए, अभी मैंने दूसरा बेला है आपको दिखाने के लिए, वो सारे फूल गए थे कि जो नहीं फूले थे, तो मैंने फिर दूसरा पतला बेला हुआ ताकि आपको दिखाएं क्यों नहीं फूलते हैं। ये देखिए मैं और दिखा देती हूँ, ये नहीं फूल हल्के से वो है, फूले नहीं है पूरे। और भी मैं देखती हूँ डालकर। देखिए सब फूल नहीं रहे, एकदम फूले तो हैं लेकिन किनारे किनारे थोड़े दबे हुए हैं। और अभी मैं निकालती हूँ, मुझे दूसरा बेलना पड़ेगा क्योंकि सारे फूल गए। फिर भी पतले होने की वजह से ये सही से जो है चारों कोनों नहीं फूले हुए हैं, कोई मतलब जो है कुछ कुछ रह गए हैं। अभी और दिखाते हैं आपको हम कि जो है सूजी के जो है जो गोलगप्पे होते हैं क्यों नहीं फूलते हैं। तो वजह मैंने बता दी है, ना बहुत पतला बेलना है ना ही मोटा बेलना है, उसमें नमक देखना है कि नमक उसमें आप भूले नहीं, नमक ज़रूर डालें। और जो सूजी है वो छोटी लें और उसका जो है साइज़ बेलें तो बहुत ज़्यादा पतला ना बेलें। ये देखिए एकदम पतले वाले हैं जो बिल गए हैं, तो ये इस तरह से पूरे फूल नहीं पा रहे हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने आपको दिखाने के लिए ही इसको अलग से वो किया है। एक मिनट अभी मैं और दिखाती हूँ आपको, ये सब देखिए फूल एकदम नहीं फूले हैं सही से। ये शायद मोटा था, फूल गया है साइड वाला, लेकिन वो जो है उतना नहीं फूला है। इस तरह से पिचक जाते हैं क्योंकि मैंने कई सब मिक्स हो गए, जो हमने निकाले थे पतले पतले और जो मोटे साइज का था वो सारे मिक्स हो गए। तो ये देखिए सब फूल गए हैं अच्छे से। और कोई जल्दबाजी ना करे, घबराए नहीं, छोटे वाले साइज का जो है ये मैंने बेला था वो वाले हैं, इसमें कुछ जो है नई फूले हैं जो मैं भी आपको दिखा रही थी। आराम से बनाएं और एक बार अगर ख़राब हो जाए डरे नहीं, दोबारा फिर बना लें। ये देखिए मैं फिर से लाई हूँ बेलकर और इसे मैं अब की बार देखती हूँ कि फूलते कि नहीं फूलते हैं। अपने हिसाब से मैंने पतला बेला है तो हो सकता है परफेक्ट बेल गया हो, लेकिन कोशिश की है कि पतला बेलें ताकि आप देख लें कि किस तरह से जो है ये फूलते नहीं हैं। और उल्टी तरफ से भी अगर डालेंगी तो भी नहीं फूलेंगे। और अगर बहुत मोटा कर देंगी इस चक्कर में कि अच्छे से फूल जाए, तो वो बाद में पूड़ी की तरह हो जाएंगी। इसे ना बहुत मोटा होना है ना बहुत पतला होना है। ये मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि इस चीज़ का ख्याल रखें, बस छोटी सी चीज़ें होती हैं, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं सही करने के लिए, जो आप लोगों को ही पता ही है। लेकिन थोड़ा सा हेर फेर करने पर और थोड़ा सा देखने पर कि क्या चीज़ गलत हो रहा है, चीज़ें सही हो जाती हैं। और मेरे पास मटर नहीं थी और इसलिए मैंने आलू बॉयल करके मटर का जो
प्रॉब्लम नहीं है इसकी भी चिंता ना करिए, अगर आता नहीं है तो इसकी भी चिंता मत करिए, ठीक हो जाएगा। और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।